उनकी पार्टी भी बीमार और अब नीतीश कुमार जी बिहार को बीमार करने पे तुले हैं, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ अपराधी नहीं मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, वो भी गौ तस्कर से, कहीं बालू माफिया से, कहीं शराब माफिया से, रोज पुलिस वाले पिटा रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार, नीतीश बाबू आराम से सो रहे हैं, कोई जू भी जो है उनके कान पर रेंग नहीं रहा है। तो ये बुरा स्थिति है बिहार का, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार वाला दिन है कि हमारा वीर पुलिस जो है हमारा शहीद हो रहा है। मुख्यमंत्री आज स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किए, अपेक्षा थी कि शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा आज अनाउंस हो जाएगा, वो निराशा लगी, बहुत सारी बातें उन्होंने की। अरे बिहार थक गया है, नीतीश कुमार जी से थक गया। 18 साल जो बच्चा जन्म लेता है वो बालिग हो जाता है। 18 साल में नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए, एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं देना है, 4 लेन के लिए जमीन नहीं देना है, और एम्स के लिए जमीन नहीं देना, यही है नीतीश कुमार। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति बिहार में है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। यदि बड़ा फक्स कर रही है कि बिहार के इतिहास में 17 साल झंडा फहराना ये नीतीश कुमार के, ये बात तो सही है, यही पाप तो हम लोगों ने किया है, जेल जाकर राजनीति शुरू किया है, यही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए थे, यही पाप हम लोगों ने किया है कि नीतीश कुमार जैसा नेता हमारे पास है, यही दुर्भाग्य है इस बिहार का। लोकतंत्र शर्मसार हो गया, नीतीश कुमार ने एक आंदोलन नहीं किया बिहार में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि ये कट पेस्ट वाले राजनीति हैं, राजनीति इनके जीवन में कोई कुछ नहीं, कोई इनका व्यक्ति नहीं है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए आज तक जीते हुए इनको नहीं देखिएगा, सिर्फ अपना जीना, यही है नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से तिरंगा फहराया, उन्होंने कहा कि 2024 में भी वही फहराएंगे, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने तंज कसाया, कहा है कि ये अहंकार बोल रहा है और ये भी सबको मालूम है कि जो आएगा वो जाएगा। देखिए लालू यादव जी ने आज सवेरे कहा कि ये भाजपा का अंत का समय है। लालू जी तो अब मुखिया भी नहीं बन सकते, और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने लालू जी को पंजीकृत अपराधी घोषित करा दिया और उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं। लालू प्रसाद जी को कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, उन्हीं की चरण वंदना कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद तो मुखिया भी नहीं बन पाएंगे, और उनके जो बेटा बोल रहे हैं उन पे भी चार्जशीट हो गया, कुछ दिन के बाद वो भी मुखिया बनने लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.